जो 5 किलो का आम, एक आम होगा खाएंगे, पहले स्ट्रॉबेरी का टेस्ट आएगा, जैसे थोड़ा सा खटास और मीठा होता है, और बाद में गोवा का टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद कर। किसान भाइयों, आज की शानदार वीडियो में हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जिसने 200 से ज्यादा तरीके के ट्रायल कर रखे हैं बागवानी के अंदर, और यह सब उसने शौकिया तौर पे स्टार्ट किया था, लेकिन आज इसको कमर्शियल लेवल पे आ गया है। चाहे ड्रैगन फ्रूट हो, पैशन फ्रूट हो, एवोकाडो हो, एप्पल हो, और भी बहुत सारे तरीके के प्लांट हैं, आपको ब्रीफ में जानकारी देते हैं। अगर आप ऐसी कमाल की जानकारी और लेना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, और जो लोग यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर दबाएं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और आपको दिमाग में आया कैसे कि मैं इसको इस तरीके से करूं? सर सीका वेलकम सर। मेरा टेरेस गार्डन से शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर ये था कि जमीन पड़ी थी, इसमें क्यों ना प्रोजेक्ट को बड़ा तरीके से किया जाए। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ड्रैगन फ्रूट है, ये येलो वैरायटी का ड्रैगन फ्रूट है, इजरायली येलो, और जो पीछे वाला खंभा है वो इक्वाडोरियन पलोरा है। तो ड्रैगन फ्रूट की मेरे पास कम से कम 20 वैरायटी हो गई है। ये सारे ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं, इनको आप देखेंगे यहाँ से मैंने ग्राफ्ट किया हुआ है, जो नीचे रूट स्टॉक है ये ग्राफ्ट किया हुआ है, नीचे रूट स्टॉक रेड का है, ऊपर येलो है, तो ये येलो फ्रूटिंग होगी। तो येलो का मैं अभी फार्म बढ़ा रहा हूँ रेड के साथ साथ, और पीछे आप देख सकते हैं कि आम की नस्ल लगाई हुई है, आम की भी 20 वैरायटी है, उनमें ब्रीफ जो मैं आपको बताऊंगा, एक ब्रूनी किंग वैरायटी है जो 5 किलो का आम, एक आम होगा जी, तो ये सभी में हो जाती है। हाँ हाँ, सारी इंपोर्टेड वैरायटीज हैं, ऑलिव है मेरे पास, मिरेकल बेरी है, जोबोटी काब है, और मिरेकल स्ट्रॉबेरी गोवा है, एवोकाडो की 10 वैरायटीज हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी लाइन आम की है, ये आम की मिक्स वैरायटीज लगाई हुई है, हर आम की एक अलग अलग वैरायटी है, जैसे ये दशहरी है, ये मलिक है, ऐसे लंगड़ा, चौसा, सफेदा, अपना अल्फेंसो, केसर, कावेरी, ब्रूनी किंग, बनाना मैंगो। सर आपको याद कैसे रहता है ये? मेरे दिमाग में सब मैप बना हुआ है, जैसे बंदा एक बताता है ना, उसके मैप जो मैप छपा हुआ है, उसकी वजह से मुझे पता लगता है कि कौन सा प्लांट कहाँ पे है। ओके, तो आगे आएंगे, आगे स्ट्रॉबेरी गोवा है, तो स्ट्रॉबेरी गोवा का तो पुराना प्लांट भी है, उस पर फ्रूटिंग भी हो रही है, और साथ में एवोकाडो लगे हुए हैं। ये रेड ड्रैगन फ्रूट की प्लांटेशन है, इस पे अभी फ्लावरिंग, इस सीजन की फ्लावरिंग शुरू भी हो गई है। तो ये बीच में मैंने लेमन के ऊपर ट्रायल किया हुआ है, अलग अलग तरह के लेमन है, ताकि देख सकें कि कौन से सीजन में कौन सा लेमन आएगा। तो आप इधर देखेंगे, इसमें देखिए आप लेमन कितना बढ़िया लेमन आ रहा है। ये लेमन की कौन सी वैरायटी है सर? ये सर अलग अलग वैरायटीज है, इसको दूसरा कलकत्ता लेमन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया अभी फ्रूटिंग से भरा पड़ा है, ये अभी गर्मी में रेडी होगा। अगर गर्मी में रेडी, आप खुद सबको पता कि गर्मी में जो लेमन आएगा उसका रेट बढ़िया मिलेगा। बिल्कुल, ये ड्रैगन फ्रूट की ये है वैरायटी, रेड, ये रेड पल्प वैरायटी है। यहाँ पे देख सकते हैं किसान भाइयों, यहाँ पे हल्की फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो गई है, और जून तक इस पे पूरी फ्रूटिंग आ जाएगी, ये भर जाएगा इस पे। इस साल हमारा एस्टिमेट है कि पर खंबे से हम 15 किलो ड्रैगन फ्रूट लेंगे, पिछले साल का हमारा इसका 5 किलो का पर खंबे का हमारा हार्वेस्ट आया है, तो इस साल 15 किलो लेंगे हर खंबे से। ये कागजी नींबू है, यहाँ पे भी देख सकते हैं नींबू भरा पड़ा है सर, ये नींबू भरा पड़ा है, और साथ में फ्लावरिंग भी हो रही है इसकी, लगातार चलती रहती है। हाँ, इसका हमने पिछले साल 40 किलो पर प्लांट एवरेज निकाला है इस प्लांट का, और मेरा 30 रुपए किलो नींबू आराम से बिका है। ये सर विंटर में आता है, समर में आता है सर? ये सर इसको बारहमासी बोलते हैं ज्यादा, लेकिन ये विंटर्स में पकेगा, लेकिन इसको फरवरी तक हम होल्ड कर सकते हैं प्लांट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि अगर इसको उतारेंगे, का सीजन होता है तब हम इसको होल्ड कर सकते हैं। हाँ, इसको होल्ड कर सकते हैं फरवरी तक, मार्च स्टार्टिंग तक इसको होल्ड कर सकते हैं, इसको कोई क्वालिटी का फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाल सीताफल, नॉर्मली हमने देखा गोल्डन या ग्रीन सीताफल, ये रेड सीताफल है, इसके पत्तों का भी यही कलर रहता है, थोड़े से पीले रहते हैं, ये लाल सीताफल है। इसके पिछले साल एक दो फ्रूट आए थे, इस साल अभी ये डोरमेंट था, अभी ग्रोथ शुरू हुई है, तो इसका अभी कम से कम 5-6 फ्रूट तो आएंगे इस साल, पूरा रेड कलर में है और बहुत ज्यादा ग्रीन से ज्यादा मीठा है। और किसान भाइयों, यहाँ पर आप बीच बीच में देख सकते हैं पपीते के प्लांट भी लगा रखे हैं। हमने पपीते के ट्रायल किए थे रेड लेडी के, तो हमारा ये तीसरे साल में इसकी प्लांटेशन जा रही है, पहले साल हम इसके ले चुके हैं, अब ये जो फ्रूटिंग है ये डिस्कार्ड करने वाला है, इसको हम निकाल देंगे, न्यू प्लांट्स लगा देंगे, वो भी मेरे पपीते की पौध आई पड़ी है, वो हम अब मैसिव प्लांटेशन कर रहे हैं पपीते का, मैं 4000 पौधा लगा रहा हूँ। ओके, ये थाई पिंक गोवा है, इसका थाई पिंक है, ये अंदर से पिंक होता है, इसकी भी फ्रूटिंग होनी शुरू हो गई है, ये आप देख सकते हैं इसकी फ्रूटिंग कितनी अच्छी हो रही है फ्रूटिंग। और ये
ग्राफ्टेड एवोकाडो प्लांट है। ग्राफ्टेड मतलब सर ये ग्राफ्टेड सर ये मतलब अभी एक आधे साल में अगले साल में फ्रूटिंग देगा। मेरे टेरेस पे सेम प्लांट है और उसने वो फ्रूटिंग दे रहा है, तो उसके बाद मैंने ये लगाया था। मेरा ये 1.5 साल का प्लांट है तो ये अभी ग्रोथ ले चुका है। आपको मैं दूसरा बाग दिखाऊंगा अपना एवोकाडो का, उसमें मैंने इसको कवर किया हुआ है, लेकिन इसको कवर नहीं किया हुआ क्योंकि ये बड़ा हो गया। इसको अब गर्मी की कोई टेंशन नहीं है, ना सर्दी का इसको कोई टेंशन नहीं है। अभी गर्मी का पहले साल बचाना पड़ता है, उसके बाद ये बहुत बढ़िया चलता है। सर ये स्ट्रॉबेरी गुआवा क्या होता है सर? ये स्ट्रॉबेरी गुआवा है सर, इसका ना टेस्ट स्ट्रॉबेरी जैसा है और इसमें ये गुच्छे अंगूर जैसे लगते हैं। ये गुआवा रेड कलर का होगा जब पकेगा, और इसमें जब हम खाएंगे 3 या 4 बीज होते हैं इसमें, जब हम खाएंगे पहले स्ट्रॉबेरी का टेस्ट आएगा जैसे थोड़ा सा खटास और मीठा होता है, और बाद में गोवा का टेस्ट रह जाएगा। और इसको बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मेरी बेटी बहुत पसंद करती है इसे। उसके लिए मैंने कम से कम 20 पौधे और लगा दिए हैं ताकि मैं इसको इसका जूस पल्प करके उसको मैं डीप फ्रीज कर दूं और पूरा साल मेरी बेटी को मिलता रहे। और इसको कॉकटेल्स में यूज कर सकते हैं, जूस स्मूदीज में यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज है ये। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको चार दीवारी के तरीके से आपको एक किसी एरिया को कवर करना है तो आप किनू के पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको एक तो आपकी एरिया कवर हो जाएगा, एक इसमें से मेरे हिसाब से जो इसमें अगर आप हल्की तार लगा देते हैं तो पशु वगैरह भी नहीं घुसेंगे आई थिंक, ठीक है। तो और अगर आपको यहाँ से उत्पादन मिलेगा, सबसे बड़ी बात यह कि अगर तो आपका एरिया ग्रीन हो गया, नेचर को भी फायदा है, और दूसरा आपको यहाँ पे फ्रूटिंग भी मिल रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रूटिंग बहुत बढ़िया हो रही है। नॉर्मली लोग फाइकस को एज अ हेज लगाते हैं गार्डन में या अपने खेत में, कोई भी दूसरी चारदीवारी करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप बीच में तार लगा के किन्नू लगा दें, किन्नू कैसा प्लांट है, ये कटिंग को बहुत बढ़िया रिस्पांस देता है। अगर इसको हम प्रूनिंग करते जाएं दीवार की तरह और 2x2 पे दूरी पे लगाएं तो बहुत ज्यादा फ्रूटिंग भी देगा आपको और अपनी प्राइवेसी हेज भी देगा और प्रोटेक्शन भी देगा। आपने इसमें फ्रूट की क्वालिटी नहीं देखनी, अगर आप बोलोगे कि मैं फ्रूट की क्वालिटी देखूंगा तो रेट कम मिलेगा, ये हमने सिर्फ एज अ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। चाहे ये दड़े में जाए, चाहे 4 रुपए किलो में जाए, 2x2 पे प्लांटेशन हो रही है, कम से कम 20 किलो पर प्लांट देगा ये। कि हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से हम पूरे किसान भाइयों को पहुंच कर सकें ताकि सबको पता लग सके कि कौन क्या क्या चल रहा है आजकल। तो मेरा तो यही कहना है कि रवायती खेती को छोड़ो, कुछ आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो। थैंक यू।